पुलिस ने राजधानी के खोनागोरिया थाना इलाके में महिला की हत्या का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। जयपुर पुलिस ने खोनागोरिया थाने इलाके में महिला की हत्या का खुलासा करते हुए सोनू उर्फ उमर प्रजापत को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एडीसीपी ईस्ट हनुमान प्रसाद ने बताया कि बीते 23 दिसंबर को खोनागोरिया इलाके में खून से सना महिला का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव की शिनाख्त के प्रयास किए हैं। महिला की शिनाख्त प्रेम देवी के रूप में हुई थी। जांच के बाद सामने आया कि आरोपी युवक सोनू उर्फ उमर प्रजापत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से ही आरोपी युवक भी फरार था। पुलिस ने सूचना जुटाते हुए आरोपी को रामगंज इलाके से दबोच लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने महिला की गला घोटकर हत्या करना कबूल लिया। पुलिस के माने तो मृतक महिला 21 दिसंबर से अपने घर से लापता थी। उसी रात को महिला व आरोपी ने एक साथ शराब पी थी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। महिला की गाली गलौज सुनकर आरोपी उमर ने साड़ी से गला घोटकर हत्या करना कबूल लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुटी है। करीबन 12 बजे इतला मिली थी कि महिला का शव एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। इस पर हमारे एसएचओ खोनागोरिया वहां पे मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला पाए जाने पर हमने इसमें प्रकरण दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई शुरू की। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती हमारे सामने ये थी कि जो अज्ञात महिला था उसके आइडेंटिफिकेशन की, इसलिए इसके लिए हमने अलग अलग टीमें गठित की और अगले रोज हमारी टीम को ये सफलता मिली और उसमें उसकी शिनाख्त की प्रेम देवी वाइफ ऑफ भगवान साई रैगर के रूप में हुई। ये 35 साल की है और इसके 5 बच्चे बच्ची हैं। इसके पति की करीबन 1.5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। आगे हमने इसके वेयर अबाउट्स मालूम किए और काफी आसपास जानकारी हासिल की, किसके साथ उठना बैठना था, कौन आता जाता था। इस पर हमारी टीम को बड़ी महत्वपूर्ण सफलता मिली और इसमें जो मुलजिम था अमर सिंह और सोनू प्रजापत को हमने गिरफ्तार किया है, वो उसने हत्या करना कबूल किया। देखिए, जब करीबन 5 साल से सोनू और जो अमर है ये इसकी जान पहचान हुई थी। ये भी मजदूरी का काम करता है, दोनों कभी कभी ये पन्नी बीनने का भी काम करती है। ये दोनों इनके जब इसके पति की डेथ होगी उसके बाद में रिलेशनशिप में रहने लगे। इसके घर आना जाना था, कई दफा इसको सारा खर्चा भी खुद ही चलाता था। इसमें 21 तारीख की ये घटनाक्रम है। 21 तारीख को इसने इसको फोन करके इसको बुलाया, क्योंकि दोनों शाम को साथ साथ ही आते थे, ज्यादातर इसी के घर पे ये रहता था। इन्होंने शाम को दोनों ने बैठ के शराब पी। शराब के नशे में ज्यादा होने पर प्रेम देवी ने इसके साथ में गाली गलौज मारपीट इस तरह के पत्थर वत्थर फेंके। इसने आवेश में आके जो उसकी साड़ी थी उससे इसका गला घोंट के और जो बॉडी को हमारे पास में जो पेड़ था उसके नीचे छुपा के घर जाते। नहीं नहीं, इस तरह की कोई घटना, क्योंकि ये दोनों काफी टाइम से ही आपस में रिलेशनशिप में रह रहे थे, तो इस तरह की कोई घटनाक्रम नहीं है। क्योंकि दोनों ने बैठ के शराब पी थी और उसको नशा ज्यादा हो जाने से उसने पत्थर फेंकना और गाली गलौज करना, काफी दूर तक भी 1 किलोमीटर पैदल ही वहां पे चल के आए थे। उसके दौरान ही काफी लोगों ने भी ये घटनाक्रम इसको देख नहीं, अभी तक हमने इसको दस्तयाब किया। इसका कोई पुराना रिकॉर्ड होगा तो हम मालूम करें। ये जब वहां से पैदल पैदल आ रहे थे तो ये अचानक वहां पे गिर गई थी, फिर उठ के चलने लगी थी। इसने में पीछे से कोई मोटरसाइकिल आई, उससे इसकी हल्की सी टक्कर हुई और उस टक्कर से ये रोड पे गिरी है। फिर उसके बाद में उठा के इसको वहां जो पास में जो पार्क था वहां पे लाके इसने बिठाया, फिर वहां पे ये शराब के नशे में ज्यादा होने से पत्थरों पे गिरी, जिससे इसके वो चोटें आई और जो कोज ऑफ डेथ है वो भी इसमें है, स्ट्रैंगुलेशन इसमें आया है। हाँ, वो लेके गया था बरामद, वहाँ कर रहे हैं अभी हमने इसको गिरफ्तार किया। जो भी चीजें थी हम बरामद करें। अभी सैंपल तो लिए हैं, जो भी FSL भिजवाए हैं उसके सैंपल जो भी होगा वो सैंपल से। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।